श्रीलंका वालों यार ये क्या कर रहे हो, इधर बारिश में मजे ले रहे हो? चलो यार मैच खेलने की तैयारी करो। कल पूरा दिन मैच नहीं हुआ, आज तीसरा दिन है, कुछ शर्म कर लो। चलो जाके पिच पिच सुखाओ भैया, कुछ जुगाड़ करो, हमको बल्लेबाजी दो। छोड़ो यार बाबर बुरादर, इतना बारिश होता तुमको मैच का पड़ा, भूल जाता मैच मैच को, इधर मजे मजे लेता। ठीक है, अगर बारिश रुक गया तो जाके खेल लेंगे, केवल मजे लो। देखो कितना मजा आ रहा है, छाते को फेंको दूर। हाँ बाबर बुरादर, ये हमारा कैप्टन बिल्कुल सही बोलता, तुम ये छाता अपने ऊपर तो नहीं लिया, केवल शफीक के ऊपर दिया। छोड़ो यार, इतना भी बड़ा बल्लेबाज नहीं, अभी बच्चा है, तुम कैसे उसको पकड़ के खड़ा है? नहीं गुम होता, छोड़ दो छाता भी फेंक। अबे चुप, हराम खोरो, जाके मैच करवाओ, कैसे भी करवाओ। हमने सोचा था डबल शतक लगाएंगे, लेकिन ससुरी वालों हमारे शतक तो पूरा करो, हमको नहीं पता। चाहे भैया ऊपर तंबू बांधो, जाए ऊपर कपड़ा पकड़ के खड़े हो, मेरे को गेंदबाजी करवाओ बस। शफीक बुरादर, भूल जाता कि तुम्हारा शतक होता, लेकिन तुम हमारा मेहमान होता, एक जुगाड़ होता, तुम गेंद बल्ला इधर ले आता, हम तुमको तीन चार फुल टॉस कराता, तुम छक्का मारता, इधर पूरा हो जाता। हकीकत में कभी नहीं होता, अब रहने देता। ठीक होता, लेकिन दिसवा बुरादर उधर देखो, वो भैया शकील और दूसरा सरफा राजू का बच्चा साइकिल पे बैठ के साइकिल को जोर जोर से पैंडल मारती, पता नहीं किधर जा रही है। इनसे तो जरा पूछती किधर जाती इतनी बारिश में। अबे चुप, भूतनी के टेंटें करता, हमको जाने देता, हम जाता पाकिस्तान में यार, हमको मालूम होता हम खेलने नहीं आता। इतनी देर के बाद मौका मिलता, पहले मैच में बल्ला नहीं चलता, दूसरे मैच में ससुरी बारिश नहीं रुकता, हम जाता पाकिस्तान बस। हाँ सरफराज मी, इधर रह के कोई फायदा नहीं, हमने तो पहले मैच में दौड़ा शतक लगा लिया था, आपसे नहीं लगा, भूल जाओ, वापस जाने में सही है। बाबर भैया हम जाता, हमको रोकने का बिल्कुल कोशिश नहीं करता, क्योंकि हम रुकने वाला नहीं इतनी बारिश में इधर। अबे ससुरी वालों जाना है जाओ, लेकिन पाकिस्तान नहीं पहुंच पाओगे, भूतनी वालों कहीं मर जाओगे, बीच में बारिश हो रही है। रुक जाओ भैया, टेस्ट खेलो चुपचाप, नहीं तो मजे लो, उसके बाद ओडीआई सीरीज खेलनी है, फिर एशिया कप भी खेलना है, जाओ नहीं जब तक एशिया कप ना हो। हाँ बाबर बुरादर, ये हमारा कैप्टन सही कहता, क्या करता पाकिस्तान में जाके इनको समझाता, इधर मजे लेता, फिर ओडीआई अफगानिस्तान के साथ खेलता, फिर एशिया कप खेल के इकट्ठे जाना, वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाना, पाकिस्तान को अब भूल जाता। ठीक है, समझाओ इनको। अबे बस करो, श्रीलंका वालों वो सही बोलता, इधर रह के क्या फायदा, वैसे भी एशिया कप का आगाज पाकिस्तान से होता, वैसे भी जो हालत तुम्हारे देश का, इधर टेस्ट मैच दो दो दिन बारिश नहीं रुकता, उसमें भैया एशिया कप कहां से होगा, खाना खराब होगा, बस करो। हाँ बाबर भैया, पता नहीं वो कौन नालायक का बच्चा था जिसने इधर एशिया कप रख लिया श्रीलंका में, इधर तो एक मैच नहीं होगा, ऊपर से अफगानिस्तान ने इधर वेन्यू ले लिया भैया ओडीए सीरीज के लिए। भैया उनका भी दिमाग खराब है, उनको जरा समझाते, इससे तो बढ़िया था हमारे देश में खेल लेते। हाँ शफीक भैया, तेरा भी शतक नहीं होगा, खामखा छाता बाबर को पकड़ा के नीचे खड़ा है, छोड़ छाते को फेंक, इधर आ चलते हैं, शतक नहीं होगा, और पाकिस्तान ना ओडीए सीरीज खेलने आएंगे ना एशिया कप, उधर पाकिस्तान में सुकून करेंगे, फिर एशिया गेम में खेलेंगे। अबे बस करता पाकिस्तान वाला, ऐसा कैसा तुम जाता, कोई भी नहीं जा पाता, इधर ही तुमको खेलना पड़ता, ओडीआई भी और एशिया कप भी, इधर मजे ले लेके खेलेंगे, तुमको क्या तकलीफ है यार, मजे लो ना भाइयों। ये केवल एक फनी वीडियो होता, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करता प्लीज।